बात ऐसी है, मार्केट में घूमते घूमते हम थोड़ा परेशान तो हो गए हैं। एक मैंने एक एसडी कार्ड लिया अभी, बढ़िया सा, थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। भाई क्या स्ट्रगल से चला रहा भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रानीखेत। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। देखो भाई आज मैं आया हूँ रानीखेत। देखिए अभी रानीखेत के ऊपर ये आसियाना पार्क है, लेकिन भाई ये आधा ढह गया है, बड़ी दिक्कत है भाई। और भाई रानीखेत में आया था मैं, थोड़ी एक स्कूटी की सर्विस करानी थी, वो सर्विस के लिए दे दी स्कूटी नीचे वहाँ TVS में। उधर पंकज भाई हमारे कहाँ गए, चलो उनको भी लेके आते हैं। थोड़ा एक शोरूम और जाना है, एक टेस्ट ड्राइव लेनी है। अगर वहाँ आज टेस्ट ड्राइव अकेले होगी तो भाई हम आपको भी दिखाएंगे, अगर नहीं होंगी तो फिर वो दिखाएंगे नहीं। रानीखेत की मार्केट में ठंडा काफ़ी हो रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ठंडा होता है। अभी धूप नहीं आई है, टाइम हो गया 11-12 बजने वाले हैं, तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ और आपको भी दिखाते हैं भाई। भाई ऑटम सीजन में क्या मस्त पेड़ का कलर आता है, एकदम येलो येलो पूरे पत्ते, क्या सही लग रहा है। सर वहाँ से नीचे आना है, एक्चुअली क्या है ना, रानी की छोटी सी मार्केट है तो यहाँ एक ही जगह पर सब चीज़ें नहीं हैं। एक ऊपर की मार्केट में कुछ दुकानें हैं, उसके बाद एक नीचे की मार्केट है, वहाँ कुछ शॉप्स हैं, तो इसलिए हम आज गाड़ी नंबर 11 से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से नीचे है मार्केट, एक लाइन ऐसे है वहीं है, थोड़ा शोरूम वोरूम आधे से ज़्यादा शोरूम वहीं है, तो हम वहीं जा रहे हैं। देखते हैं भाई TVS के शोरूम में जाना है हमको। चलो और सामने भाई दिख पा रहा है रेंज, पूरी हिमालय रेंज। मौसम ख़राब है भाई, लगता है मेरे को कुछ दिनों में बर्फ़ गिर जाए। पर ठंड में जब मौसम ख़राब होता है ना, दिल इतना खुश होता है कि क्या बताएं, लगता है कि भाई अब बर्फ़ गिरेगा तो आपको भी दिखाएंगे भाई, मज़ा आता है सच में बर्फ़ का। तो चलो चलते हैं नीचे को, वहीं मिलते हैं आपसे। एंड भाई हम पहुंच गए रानीखेत के बहुत नीचे वाली मार्केट में। यहाँ शायद बहुत से कम लोगों को पता होगा कि मार्केट है, यहाँ भी सारे शोरूम से ही हैं, TVS का ही है। तो हमको जाना है TVS के शोरूम पर, छोटा शोरूम यहाँ पर टिंकू सा, उस पर जाना है, पूछते हैं भाई उनसे आज। एंड गाइस अभी हम TVS के शोरूम पहुँचे रानीखेत, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने पूछा भाई क्या रोनिन है यहाँ पे, उन्होंने कहा रोनिन तो नहीं आई है। हमने ठीक है, हमने कहा ऐसा कीजिए फिर हमको कोटेशन ज़रा पता करके बता दीजिए। हमने कहा भाई हम नहीं बता सकते हैं, मतलब किससे पूछे भी रहे भाई, ये TVS वाले हमको रोनिन भाई एक बाइक का हमको कोटेशन नहीं बता पा रहे, तो हम किससे पूछे, हमको दे नहीं पा रहे। और शोरूम क्यों खोला है, झक मारने के लिए, बेकार नहीं आया भाई मज़ा भाई, सही बात है नहीं है, हम किसके पास जाएंगे फिर पूछने। TVS का है, नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम, ये ऐसा कह सकते हैं हमसे कि यार भाई हम चलो कोई नहीं, हम पता करके बता सकते हैं आपको एक दिन में दो दिन में, कह रहे हमारे पास बाइक ही नहीं आई है तो हम आपको कहाँ से बताएं। भाई इतने ना रूड हो के बोल ले भाई, मैं कभी कभी बताना भाई रानीखेत के TVS में, बेकार TVS, मज़ा नहीं आया, मूड खराब हो गया। एंड गाइस हम आ गए फिर से ये रानीखेत की मार्केट में, ये है वन वे मार्केट भाई। ये इधर रानीखेत में इतने छोटे मोटे खोपचे इतने प्यारे प्यारे हैं, जहाँ इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रीट फूड मिलता है भाई, ये मार्केट भाई। यहाँ तो सुबह होती नहीं है, सीधे शाम ही होती है, अभी धूप आई है थोड़ी देर में निकल जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी धूप सारी। ये है यहाँ की मंडी, रानीखेत की छोटी सी मंडी, यहाँ आपको सब मिलेगा, सब फल फ्रूट मिलेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है घूमने पैदल पैदल, क्यों कभी कभी सच में पैदल घूमने में मज़ा आ जाए। क्या टीं टीं करके भागते रहते हैं सब लोग, ये बाइक ओ भाई ये कहाँ से आ गया, ये बाइक लेजेंडी जी यार भाई, ये क्या आ गया मार्केट में आज, गाड़ी को आज इसी से टो करेंगे भाई, ये इतनी अरे यार जाने बेचारे को। भाई क्या स्ट्रगल से चला रहा भाई, छोटी सी मार्केट में इतना लंबा, लेकिन घूमना बहुत बड़ी बात होती है, एक्सपीरियंस ब्रो एक्सपीरियंस। भाई रानीखेत में ना घूमते घूमते ऐसा ठंडा भी लग रहा है और पैर में दर्द भी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, आया ही नहीं ना कब से, पता नहीं आपका सैटरडे है, सैटरडे में मारी जाती है भाई लेग, इसलिए हमारी दर्द भी हो रही लेग्स में। देख लो पंकज भाई क्या स्मार्ट लग रहे हैं, पंकज भाई बाइसेप कितने का हो गए, बाइसेप हो गया 16.2 का, 16.2 का हो गया बाइसेप भाई का,
अभी कम है थोड़ा मेट है लेकिन ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम आ जाएगा लेवल में जी। पीटी दे दे हमको कुछ टाइम में आ जाएगा लेवल में। थोड़ा हमने शॉपिंग वॉपिंग करी यार, देख के रानीखेत में तो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही महंगा है सामान यार ये है, क्योंकि यहाँ कैंट का टैक्स भी पड़ता है ना इनको, तो जो माल 100 का है तो वो ऑब्वियसली 100-150-200 का पहुँच जाता है। चलो जी आगे हम वहाँ से बाहर अभी, लेकिन मार्केट में गजब नज़ारे हैं गाइस। इनको एक अभी ये लेना था, एक मैंने कहा था हमको मिल गया क्लास 10 का बढ़िया 128 GB, ये लेते हैं। ये क्यों नहीं खुल रहा है यार, चल रहा बढ़िया। एंड गाइस बात ऐसी है, मार्केट में घूमते घूमते हम थोड़ा परेशान तो हो गए हैं। एक मैंने एक एसडी कार्ड लिया अभी बढ़िया सा, थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। वैसे भी क्लास 10 है तो क्लास 10 का एसडी कार्ड है तो हम चलता मक्खन की माखी पी गया और भाई ख़राब नहीं होता जल्दी, तो इसलिए भाई हमने ये लिया। और अभी हम पहुँच गए, अभी स्कूटी भी देखी सामने सर्विसिंग के लिए, पूरा शोरूम हीरो का होंडा का ठीक है भैया। चलो भाई अब ऐसा करते हैं स्कूटी लेते हैं ना, कुछ नीचे कुछ खाते हैं, भूख बहुत तेज़ी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ी भूख लग रही है यार। पता है वेट लॉस कैसे किया जाता है? वेट लॉस अभी बताएंगे हम आपको, देखो निंजा तरीका है मेरे पास, निंजा तरीका है भाई, निंजा तरीका। सेंटर रस का हो, सेंटर रस मीठा ज़्यादा होता है, आपको आदत में बदल, आप हैप्पीडेंट चबाओ, ज़्यादा मीठा नहीं होता, मुँह चलता रहेगा तो चलता रहेगा, जंक फूड नहीं खाएंगे, हाँ अनाप शनाप चीज़ें नहीं खाएंगे, समझ गए समझे। चलो ये कार्ड डालते हैं अभी इसमें, फिर करते हैं काम बढ़िया एकदम। एंड गाइस आ गई हमारी स्कूटी, सर्विस हो गया बढ़िया चमाचम, अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। एंड गाइस निकल गए हम रानीखेत से, भाई कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही बहुत तेज भूख लग रही भाई, पेट में एकदम चूहे सारे मर गए मेरे। पहुंच गया भाई फाइनली, देखो नीचे मोमो बन रहे हैं रानीखेत की सबसे बेस्ट, रानीखेत की सबसे बेस्ट दुकान में। चीटिंग डे कहीं भाई खाते हैं, चलो फिर मिलते हैं भैया। ये है अंकल हमारे रानीखेत, सबसे बढ़िया मोमो बनाते हैं सच में, टेस्ट में तो वो बात एकदम। क्या भाई मैं पकला गया, मोमो खा के पकला गया मैं भाई। ऐसा होता ना जब ये मोमो खाओ ना और वो गरम गरम मोमो मुँह में घुस जाए और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो तो समझ नहीं आता कि क्या करना है, उसको उगलना है कि निकलना है सबके साथ हुआ होगा ऐसा। अच्छे थे मोमोज, चलो भाई चलते हैं नीचे की तरफ यार। There's a distance between us, it's getting hard to reach out, haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down but I'll stay till the finish line. And zapping count. This pakodi. Pakodi khayenge, pakodi. Khaoge pakodi. Bhai pakodi humne pel diya badhiya. Hello. Sir. Aa ja raha hu. Bhai pakodi pel diya, nikalte hain aage ki taraf. Hello. Bhai dar raha hu meri shakal dekh ke. ना डराओ ना, अब चलते हैं आगे का, चलो और काम है हमको जाना है अभी द्वारा हट। तो भाई ये देखिए मैं जा रहा हूँ। एंड गाइस फाइनली पहुंच गया घर अभी, आज दिन भर में तनिक कहाँ कहाँ घूमे कहाँ कहाँ नहीं घूमे, अब भाई लाइफ लास्ट में पहुंच गया घर अभी। चलो अब घर चलते हैं, ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं ऐसी नए ब्लॉग में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।